Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, chapter ki aur chalte hain jo ki hai transportation in animals and plants. So students, हमारा टॉपिक तो चलते ही आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, दैट सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जिसमें हमने कल बात करी रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। हमने कल बात करी थी रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में, है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल्स तक चलते हैं, ये क्या करती हैं, WBC फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, दस WBC प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। आप स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये किससे हमें बचाती हैं, जो कि हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होते हैं उससे फाइट करती हैं, उससे फाइट करती हैं हमें, और किससे बचाती हैं, डिजीज़ से बचाती हैं, बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जर्म से फाइट करती है जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। समझ गए ना, ये क्या करती है, ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स देखते हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट, इट मेक्स द ब्लड सेमी सॉलिड, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। स्टूडेंट्स, आपने कभी आपको कभी चोट लगती है, घुटने पे लगे, एल्बो पे लगे, कहीं पे भी लगे, आपको चोट लगती है, आप देखते हैं आपको खून बहता है, कुछ ही टाइम बाद आप देखते हैं आपको ब्लड क्लॉट हो गया, मतलब जो ब्लड जो है आपको, जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वो ब्लड जो है उधर पे वो सेमी सॉलिड बन गया है, ठीक है ना। तो यही प्लेटलेट्स जो होते हैं किसमें हेल्प करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट होने में। अगर हमें कोई इंजरी होगी, उधर पे ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड को सेमी सॉलिड बनाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मदद मिलेगी, ये ब्लड क्लॉट जब बनेगा तो इसकी वजह से हमारी बॉडी से क्या होगा, ज़्यादा खून बहेगा, सॉरी, हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा खून बहेगा इंजरी की वजह से, उसी को रोक देगा ये ब्लड क्लॉट, है कि नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें अगर कहीं इंजरी हो गई तो खून बहता रहेगा, अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, अगर हमारा जो ब्लड है वो सेमी सॉलिड नहीं हुआ, तो क्या हो गया, हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली जो खून है वो फ्लो होता रहेगा, बहता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स जो है वो क्या करती हैं, वो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट, ठीक है, समझ गए प्लेटलेट्स भी। ये थे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो कि हमें पहले से स्टार्टिंग से, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ब्लड क्या क्या करता है। ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक, मतलब जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के दो, मतलब रेस्पिरेशन जब करनी होती है तो क्या करता है, ब्लड जो होता है जब वो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, उसी ऑक्सीजन को लंग्स से उठा के हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देता है जब रेस्पिरेशन करनी होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। इट कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है, वाटर ये क्या करता है, कैरी करता है, वाटर को ले जाता है सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, सॉरी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स तक। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमें जब रेस्पिरेशन मतलब होती है तो उधर पे एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में बन जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, एंड प्रोडक्ट जो बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है कहाँ से, सेल्स से, ये ब्लड कहाँ ले जाता है, लंग्स तक, फिर जब आगे एक्सहेलेशन हो जाती है, समझ गए। ब्लड प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, ये हमने अभी जान लिया, जो ब्लड है जो कि इसका कॉम्पोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो किससे हमें बचाता है, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है और इसे जर्म से फाइट करता है जो कि हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। तो समझ लिया आपने, ये थे ब्लड के फंक्शंस। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक में होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।